नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के क्या यूज़ हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसको लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सिप्रोफ्लोक्सासिन की किस डोज में हमें लेना है। पूरी जानकारी सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एक तरह का एंटीबायोटिक्स है और वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये काम करता है। दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो एक फ्लूरोक्विनोलोन कैटेगरी की एक ड्रग्स है, और इस कैटेगरी में और भी कई सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, जैसे लेवोफ्लोक्सासिन है, मोक्सीफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन है। इसी तरह एक सिप्रोफ्लोक्सासिन भी एक फ्लूरोक्विनोलोन कैटेगरी की एक ड्रग्स है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन कौन से फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन के, तो मार्केट में इसकी आई ड्रॉप भी अवेलेबल है, ईयर ड्रॉप भी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी अवेलेबल है, क्रीम भी अवेलेबल है, और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन की टैबलेट के बारे में। तो मार्केट में ये 250 मिलीग्राम की, 500 मिलीग्राम की और 750 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके ब्रांड के बारे में कि कौन से ब्रांड में सिप्रोफ्लोक्सासिन की टैबलेट हमें मिलती है, तो मार्केट में इसकी जेनेरिक फॉर्म में भी अवेलेबल है सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के नाम से। कुछ दोस्तों फेमस ब्रांड नेम है, जैसे सिप्लोक्स है, सिप्रोविन है, सिप्रोडेक है, सिप्रोकाइंड है, जॉक्सन्स है, फ्लोक्सिब है। ये सभी कुछ फेमस ब्रांड जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं यूज के बारे में कि सिप्रोफ्लोक्सासिन को कहाँ पे यूज किया जाता है, तो दोस्तों ये तरह का एंटीबायोटिक होने के कारण हम एक नॉर्मल तो समझ सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन है वहाँ पर सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज किया जाता है। लेकिन वन बाय वन कुछ स्पेसिफिक यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे जो पहला यूज है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कि किसी के मूत्र मार्ग में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिथ्रा में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर उनको पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, जलन महसूस हो रही है, तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को एज ए टैबलेट के रूप में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यूज़ की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, श्वसन संबंधी कोई इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया जिनको उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको सांस फूल रही है, अगर किसी को न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और अगर यूज़ की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिससे उनको कान में दर्द रह रहा है, कान में उनको किसी स्वेलिंग हो गई है, मतलब कि उनको सूजन आ गई, वहाँ पर वैक्स निकल रहा है, तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सिप्रोफ्लोक्सासिन को डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं टाइफाइड फीवर में। और अगर किसी व्यक्ति के मतलब मेल एंड फीमेल अगर किसी के जेनेटल ऑर्गन के पास में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई स्वेलिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गए हैं, तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया रिलेटेड, तो वहाँ पर भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज़ किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के स्टमक में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर उनको दस्त की प्रॉब्लम लग रही है, उनको वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शन में सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट जो है वो डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम दोस्तों बात करें साइड इफेक्ट के बारे में कि सिप्रोफ्लोक्सासिन के कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे गए हैं, तो नॉर्मली इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हाई डोज में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन पर रैशेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ में देखे गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें डोज के बारे में कि सिप्रोफ्लोक्सासिन की टैबलेट कौन सी डोज में हमें लेनी चाहिए, तो मार्केट में 250, 500 एंड 750 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो दिन की दो टैबलेट, जो कि अगर कोई टैबलेट 500 मिलीग्राम की है तो दिन की दो टैबलेट आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद में लेना है। और ये जो टैबलेट आपको जो डॉक्टर हैं वो 5 से 7 डेज तक लेने को कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन किस तरह का है, कभी कभी ये 14 दिन तक भी चलती है। नॉर्मली ये है वो कि
फाइव से सेवन डेज तक डॉक्टर हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हुई है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और बैक्टीरिया नेक्स्ट लेवल पे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोकता है और हमें बैक्टीरिया रिलेटेड जितना भी इन्फेक्शन हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रिकॉशन के बारे में कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात बच्चों से दूर रखें। जो महिलाएं लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही यूज़ को यूज़ करें। अगर इस टैबलेट को कभी भी आपको ड्राइविंग करते समय नहीं लेना है, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट की मतलब कि अलर्टनेस को ये डिक्रीज करता है, ड्रॉन्सीनेस प्रोड्यूस करता है, नींद की झपकियाँ प्रोड्यूस करता है, तो कभी भी ड्राइविंग करते समय सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट को आपको नहीं लेना है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट कभी भी आपको एंटासिड के साथ नहीं लेना है। जो एंटासिड जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कंटेनिंग जितने भी एंटासिड हैं उनके साथ कभी भी आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं लेना है, ठीक है। किडनी रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं, लीवर रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं, उनको अपने डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ करें। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन कभी भी आपको कॉफ़ी चाय एंड चॉकलेट के साथ कभी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है और कैफीन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में इंटरेक्शन करता है, उसकी एफिकेसी को ये डिक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं आपको ड्रग इंटरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो कभी भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को कॉफ़ी चाय एंड चॉकलेट के साथ में ना लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।